नमस्कार साथियों, मैं हूं विक्रांत शर्मा और इस समय हम पहुंच चुके हैं कांगड़ा जिला के अंतर्गत आने वाले तहसील ज्वालामुखी के डोग गांव में और आज हम आपको रूबरू करवाएंगे आरसी शर्मा जी से। इनका एक कैंप यहां पर है और वो बहुत ही अल्टीमेट अद्वितीय जिसको हम बोलेंगे है और इस कैंप का नाम है अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप। और ये कैंप साइट जो है इतनी अद्वितीय है, देखने के लिए आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये रोड है कैंप तक आने के लिए, बीच में इतने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है कि यहाँ पर आने के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस मार्ग को जो है सुसज्जित किया गया है। हर जगह पे कैंप साइट पे बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह पे, जैसे यहाँ पे एक बोर्ड लगा है द रेंच, और मैं आपको बता दूँ एंट्रेंस पे जो है लिखा हुआ है यहाँ पे जो है फ्रेंडली रह करके ही जो है डोग विलेज के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और जो कैंप साइट से लोग आते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इंटरटेन करते हैं और यहाँ का जो माहौल है बहुत ही अच्छा है और रोमांचक। देखिए आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा वृक्ष हैं, हरियाली है चारों तरफ और हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म के सहयोग से जो है ये कैंपेनिंग यहाँ पर की जाती है और बाहर से इंडिया ही नहीं, इंडिया से भारत से बाहर से भी लोग जो है यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए आते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। और बहुत ही अच्छा, आगे मैं आपको बताऊँ यहाँ का जो यहाँ की जो व्यवस्था है मैं आपको बता दूँ बहुत ही अच्छे तरीके से जो है। ये देखिए सामने आर्मी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है लोगों को इंटरटेन किया जाता है और इस कैंपेनिंग का मज़ा आप भी ले सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हम आगे आपको मिलाएंगे शर्मा जी के साथ। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज आपको ले चले हैं कांगड़ा जिला में और इस समय हम पहुंच चुके हैं आरसी शर्मा जी के पास और आपको हमने बताया था अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप के बारे में। तो आज हम आपको इस समय लेके जा रहे हैं सर के पास और इस समय हम पहुंच चुके हैं अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप में और कैंप के बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं हमारे सर जो हमारे सामने हैं आरसी शर्मा जी। नमस्कार जी, स्वागत है सर आपका एसएम न्यूज हिमाचल में और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर जो आपने ये कैंप यहाँ पे लगा रखा है तो ये प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली और कैंप में क्या क्या आप जो है करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ये हमारा अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप तकरीबन 4 साल पहले हमने ये शुरू किया था। उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे उजाड़ जमीन थी। तो मैं भी फौज से रिटायर होके आया था तो हमने सोचा कि यहाँ के जो हमारे यहाँ के यूथ हैं, यहाँ के जो हमारे जवान हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हमें भी करना चाहिए और हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि रिटायरमेंट के बाद अपने यहाँ भाइयों के लिए, अपने बंधुओं के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस कैंप की स्थापना की थी। सबसे पहले हमने यहाँ रहने के लिए एक हट बनाई और उसके बाद आस्ते आस्ते हमने यहाँ और भी चीज़ें इसमें जोड़ते रहे और आज हमारा ये कैंप 4 साल के बाद कुछ देखने लायक बन गया है। सर जैसा कि हमने देखा कैंप के स्टार्टिंग में ही बहुत ही रोमांचक सफ़र है यहाँ तक आने के लिए और बहुत ही अद्वितीय हमें लगा और जैसा कि कैंप की शुरुआत में ही पता चलता है कि ये आर्मी बेस्ड लगता है पूरा ही, क्योंकि यहाँ का जो रूपरेखा है इस कैंप की वो बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से इसको निखारा है आपने। और ये प्रेरणा सर आपको क्या आर्मी से मिली या आपने अपने दिमाग से सोचा? ये सब में आर्मी की ट्रेनिंग का ही निचोड़ है, पिछले 30 साल की ट्रेनिंग का निचोड़ है जो हमने यहाँ अपने तजर्बे से इस कैंप की स्थापना की है। इस कैंप की स्थापना के लिए आस पड़ोस के लोगों का भी बहुत योगदान रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं और उनके साथ हमने ये कैंप की आस्ते आस्ते स्थापना की है और इसका नाम भी अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से टेंट बने हुए हैं और आर्मी बेस्ड ये टेंट लग रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ काफ़ी अच्छी फुलवारियाँ, बहुत अच्छे फूल यहाँ पे जो है फूलों के पौधे लगे हुए हैं
ये एक बहुत ही अद्वितीय श्रेणी के पुष्प लग रहे हैं और यहाँ का जो माहौल है पूर्णतः ऐसा लगता है कि हम किसी एडवेंचरस टूर पे आए हैं। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ जो हमीरपुर ज़िला है उसकी जो दूरी है 45 किलोमीटर की दूरी पे हमीरपुर और धर्मशाला यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ज्वाला जी से ये महज 7 किलोमीटर की दूरी पे ये कैंप है और यहाँ आने के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आसानी से जो है व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है और हर प्रकार की सुख सुविधा जो साधन है सुख के वो यहाँ पे हैं। सर्वाइवल कैंप का जो है आप सामने देख सकते हैं किचन बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे माहौल और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। आपको बता दें देखिए यहाँ पे व्हाइट हाउस है, बॉयज़ के रहने के लिए टेंट लगे हुए हैं, बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे बताई गई है, मेडिकल की फैसिलिटी भी यहाँ पे है। बहुत ही अच्छा कैंप जो है तैयार किया है यहाँ पे। और हिमाचल में मैं बोलता हूँ हिमाचल में जो है ये बहुत ही अलग किस्म का मान सकते हैं क्योंकि हिमाचल में इस प्रकार का कैंप हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और दर्शकों को हम बता दें कि ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वाला जी क्षेत्र में ज्वाला जी से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ये कैंप है और डोग गांव है जिसमें ये कैंप है। इस कैंप का नाम है अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप। अब हम जानेंगे आपसे जो कैंपस में टेंट लगे हुए हैं उन टेंट्स में क्या क्या सुविधाएं हैं और बारिश में उन टेंटों में क्या रहा जा सकता है, नहीं रहा जा सकता, किस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो टेंट में हैं वो सर आपको बताएंगे। कैंप में रहने के लिए हमने जितने भी पार्टिसिपेंट आते हैं जी सर उनके लिए टेंटों का बंदोबस्त किया हुआ है और इसमें जो लड़कियां आती हैं उनके लिए अलग से टेंट अलग जगह में एक लगाए जाते हैं जी। उनके बाथरूम्स वगैरह भी अलग हैं और जो जेंट्स आते हैं उनके टेंट्स जो हैं वो अलग जगह में लगाए हुए हैं। एक टेंट में हमने अभी फ़िलहाल 4-4 आदमियों के रहने का बंदोबस्त किया हुआ है और ये आर्मी के लिहाज से बहुत ही अच्छे टेंट बनाए गए हैं हमारे ये। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या बाहर के राज्यों से या बाहर की जो अन्य कंट्रियाँ हैं अन्य देश हैं उससे भी क्या यहाँ पे लोग कैंपेनिंग के लिए आते हैं? यहाँ पर हमने पिछले 4 साल में हमारे पास अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और कई गल्फ कंट्रीज़ से भी लोग यहाँ पर आकर हमारी रेसेस में हिस्सा ले चुके हैं और हमारे अपने यूथ जो हैं कांगड़ा के उनके लिए हम बहुत ही कंसेशनल रेट पे 50% पर उनको यहाँ पर दौड़ाते हैं। उसके अलावा लड़कियों का हमने खास करके बिल्कुल फ्री किया हुआ है कि जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और वो भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जाएं हमारी लड़कियाँ, तो वो यहाँ आए तो उनको हम बिल्कुल फ्री रनिंग के लिए कोई चार्जेज नहीं लेते, सिर्फ खाने का जो नॉमिनल से चार्जेज हैं वो उनसे हम लेते हैं। और ये एक तरह से हम चाहते हैं कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी चाहते हैं कि हमारा यूथ खूब तरक्की करे, उस तरह से वो यूथ की तरक्की के लिए भी हमारे दिमाग में ये बात आई और उसको ध्यान में रखते हुए इस कैंप की हमने स्थापना की है। सर हमने एक चीज़ और देखी है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत तो जैसे कहा गया है कि स्वच्छता जो है बहुत ज़रूरी है और हमें हर जगह जो है ये देखने के लिए मिल रहा है, हर प्रकार की जो है आप कैमरा घुमाएंगे सर तो ये देखेंगे आप यहाँ पे हर तरह से जो है साफ़ सुथरा माहौल जो है यहाँ पे मेंटेन किया गया है। ये टेंट संख्या 10 है, काफ़ी टेंट लगे हुए हैं आप यहाँ पर और हम ज़्यादा तो नहीं बता पा रहे हैं आपको लेकिन बहुत ज़्यादा टेंट हैं यहाँ पर। आप आएंगे तो आप देखेंगे और जानेंगे कि कितनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी जो है यहाँ पर मेंटेन करके रखी गई है। सर बताएं आप टेंट के बारे में। हर एक टेंट में अभी फिलहाल हमने 4-4 बिस्तरे लगाए हुए हैं। ये टेंट जमीन से काफ़ी ऊपर उठे हुए हैं जिससे कि पानी जो है यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता और पूरे टेंट जो है चारों तरफ से बंद हैं। रात को जिप लगाने के बाद इसमें कोई जानवर के आने का या किसी सांप बिच्छू कोई चीज़ आने का कोई खतरा नहीं है किसी तरह का भी। और यहाँ पर हर एक में लाइट का बंदोबस्त है हर एक टेंट में और उसके साथ साथ चार्जिंग के लिए भी यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए बंदोबस्त है।
और लड़कियों के अलग बाथरूम है और लड़कों के अलग बाथरूम है, फुल्ली फर्निश। जैसा कि आपने देखा टेंट में बहुत ही सफाई है और आप खुद देख सकते हैं पीने के लिए मग रखा गया है और अन्य प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं मूलभूत सुविधाएं उनको जो है रखा गया है। और आप खुद देखेंगे पौधों से इतना प्रेम है कि अंदर भी पौधे लगे हुए हैं। बहुत ही अद्वितीय नज़ारा है इस सर्वाइवल कैंप का। और जैसा कि आरसी शर्मा जी ने आपको बताया कि यहाँ पे भारत से ही नहीं अपितु अन्य देशों से भी जो है लोग यहाँ आते हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है और कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ बिना आए नहीं रह सकता। जो व्यक्ति एक बार यहाँ आएगा वो यहीं का ही होके रह जाएगा, इतना अच्छा नज़ारा है यहाँ का और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे कैंप साइट पे आते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पे टेंट बने हुए हैं। अब हम सर से जानना चाहेंगे, सर अगर कोई व्यक्ति अकेला ही आता है तो क्या उसके रहने की भी व्यवस्था यहाँ पे है अलग से या नहीं? जो कोई यहाँ पर अकेला आता है उसके लिए हमने यहाँ पप टेंट्स का बंदोबस्त किया है। वन मैन पप टेंट भी हैं हमारे पास, टू मैन भी हैं और उस तरह से उनको वो हम अलग से टेंट फर्निश टेंट दे देते हैं और उनमें वो रहते हैं। कोरोना का काल में अभी हमने नवंबर में रेसिस की थी, उसमें हमने ध्यान में रखते हुए 100 आदमी से ज़्यादा नहीं बुलाया था। इसमें हमारे पास दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से थोड़े थोड़े लोग आए हुए थे। कुछ हमारे पास पुलिस के धर्मशाला से रिक्रूट आए थे, 27 रिक्रूट आए थे पुलिस के, वहाँ के जो आईजी साहब हैं उन्होंने भेजे थे, उन्होंने भी यहाँ हिस्सा लिया। उनके जाते ही अगले दिन हमीरपुर में एक मिस हिमाचल का एक कॉन्टेस्ट था, उसकी लड़कियाँ भी यहाँ आई और वो इस कैंप में, ये इसी जगह में जहाँ मैं अभी खड़े हैं वहाँ पर एक रात रह के गई और बहुत खुशी खुश खुश गई यहाँ से। ये सारे टेंट उन्हीं के हैं और हम लोग ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये उन्हीं के लड़कियों के बाथरूम्स हैं जो फुली फर्निश्ड हैं। गर्म पानी है, नहाने का बंदोबस्त है और तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है टॉयलेट बने हैं और ये टॉयलेट जो है लेडीज़ बेस हैं, औरतों के लिए या जो लड़कियां बाहर से आती हैं उनके लिए हैं। हर जगह जो है सैनिटाइज़र को रखा गया है अच्छे से और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है पूरे इस कैंप को। और यहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटी है, हॉट वाटर यहाँ पे है अवेलेबल और हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे है। यहाँ जो हमारे लड़कियाँ आई हुई थी उनको हम ब्यास नदी में ले के गए थे और वहाँ पर उनको रैफ्टिंग भी कराई और उन्होंने बहुत उसमें मनोरंजन हुआ उनका। और यहाँ से बड़ी रात को यहाँ हमारे हमने पार्टी की थी उनके लिए जी सर। उस पार्टी में बड़े डांस वगैरह किए और बड़े खुश खुश गए। इनफैक्ट जितने भी हमारे यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं उनके आखिर में रात में हम लोग यहाँ मनोरंजन का प्रोग्राम करते हैं, डांसेस का प्रोग्राम करते हैं। तो सर जो राफ्टिंग का है, राफ्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या पूरे कैंपेनिंग में एक दिन या दो दिन, कितने दिन आप राफ्टिंग करवाते हैं लोगों को? राफ्टिंग आदमी के ऊपर है कितने आदमी हमारे पास हैं। अगर ज़्यादा लोग हों, अभी तक तो हमने एक एक बार में कराई है, एक बार में करीब 20 आदमी की राफ्टिंग हम करा सकते हैं। और इसके लिए हमें धर्मशाला से परमिशन है और आज तक ये ब्यास में राफ्टिंग हमारी कोई 1000 आदमी तक कर चुके हैं। तो इस तरह आपने जाना आरसी शर्मा जी से कि लोग जो हैं राफ्टिंग का भी यहाँ पे आनंद लेते हैं। ये देखिए कैंप साइट इतनी अच्छी बनी है, ये बैम्बू बांस लगा हुआ है और वेल मेंटेन किया गया है, हर कोने को तराशा गया है, हर कोने में जो है स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। और अच्छे तरीके से अगर देखा जाए COVID-19 के चलते लोग आते हैं और कैंप में जो है हर प्रकार से स्वच्छ तरीके से जो है वेल मेंटेन करके कैंप में अपना आनंद लेते हैं। आपको जैसे बताया कि राफ्टिंग की भी जो यहाँ व्यवस्था की गई है, राफ्टिंग जो है व्यास नदी में की जाती है और उसके लिए भी जो है यहाँ पे मूलभूत जितनी भी सुविधाएँ हैं वो आसानी से जो है उपलब्ध है।
साथियों देखिए अब आपको जो है आगे का जो कैंप की साइट है, कैंप की साइट में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो सर आपको आगे से बताएंगे। यहाँ पर ये हमने एडवेंचर के लिए बर्मा ब्रिज बनाया हुआ है। इस बर्मा ब्रिज में बच्चे जो हैं बहुत खुश होते हैं, एक तरफ से चल के जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। इनमें पैर रखना पड़ता है, ऊपर सेफ्टी के लिए एक रोप लगाई हुई है जिससे कि बच्चे नीचे गिर भी जाएं तो उनको चोट ना लगे। इसके अलावा हमने एक यहाँ पर पैलर रोप्स हैं जिनमें कि ऊपर की तरफ बच्चे जो हैं चढ़ सकते हैं, और एक मंकी क्रॉल भी आगे लगाई हुई है जिसमें उल्टे होके बच्चे जो हैं वो करते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ कसरत उनके लिए हो जाती है और मनोरंजन का भी एक साधन हो जाता है। कहीं ना कहीं व्यायाम की दृष्टि से जो है इस कैंप में जो है व्यवस्था की गई है ताकि व्यक्ति का शरीर हरिष्ट पुष्ट रहे। आर्मी बेस्ड जो ये कैंप है, अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप में आप ज़रूर आएँ, और मैं तो ये कहूँगा कि आप बार बार आएँ क्योंकि यहाँ आने से जो है व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ भी व्यक्ति को होगा, और कहीं ना कहीं हमें जंगल में हमें कैसे सर्वाइव करना है, कैसे रहना है, अगर हमारे पास मूलभूत सुविधाएं ना भी हैं तो भी जो है हम कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं वो ये कैंप हमें सिखाता है। गुड गुड, चढ़ जाओ चढ़ जाओ। तो आप देख रहे हैं किस तरह जो है यहाँ पे जो है व्यक्ति जो है चढ़ता है, और ये व्यायाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। इसमें पूरी मांसपेशियाँ खींच जाती हैं और व्यक्ति का जो स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है एक व्यक्ति जो है चढ़ रहे हैं ऊपर, तो ये सारी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग टाइप में जो है ये कैंप में दी जाती है और ये बहुत ही अच्छा है। इस कैंप की एक खास विशेषता जो है यहाँ पर जो भोजन भी बनता है तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे और हॉर्टिकल्चर को साथ लेकर के यहाँ पर जो है मशरूम तक की खेती की जाती है। आप देख सकते हैं अंदर जो है मशरूम के लिए जो है रखा गया है साधन जिनमें मशरूम की खेती होती है। चलिए साथियों आपको दिखाने जा रहे हैं अब इस कैंप में जो है भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। ये देखिए आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा हुआ है और अच्छे से बैठने की जो सुविधाएं हैं, म्यूज़िक भी आप यहाँ सुन सकते हैं, और इवन दैट तक कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो उसके लिए भी LED की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, छोटी LED लगाई गई है। एडवेंचरस जो आपने दिन भर किया है उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है SM न्यूज़ हिमाचल में, और इस समय हम हैं अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप में, और आज हम पुनः आपसे जानेंगे RC शर्मा जी से कि उन्होंने जो एक आर्मी से रिटायर पर्सन हैं और मेजर रैंक से रिटायर हैं और उन्होंने जो है इस कैंप को जो है बनाया है, और हम आज उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनको ये प्रेरणा मिली, और एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे इस कैंप का जो है निर्माण किया गया है, तो हम जानेंगे कि इतनी मूलभूत सुविधाओं को जो है जोड़ने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, ग्रामीण क्षेत्र है, किस तरह से इन्होंने इस कैंप को बनाया, तो हम जानते हैं
मेजर आरसी शर्मा जी से। हिमाचल प्रदेश में जो भी बाहर के लोग होते हैं वो सिर्फ शिमला या धर्मशाला को ही जानते हैं, तो मेरा शुरू से मेरे दिमाग में ये रहा है कि क्यों ना मैं जहाँ पर पैदा हुआ, जहाँ पर मैं बड़ा हुआ, उस क्षेत्र की भी कुछ तरक्की करूँ। उसको ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट के बाद तुरंत मैंने ये सोचा कि यहाँ पर एक ऐसा कैंप बनाया जाए जिसकी इतनी मशहूरी हो कि लोग इसको शिमला और धर्मशाला के लेवल का समझने लग पड़े। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक होम स्टे के लिए एक हट बनाई। होम स्टे की हट में दो कपल्स हमारे आराम से रह सकते हैं और ये हिमाचल टूरिज्म के अंडर है। इसमें हमारा हिमाचल टूरिज्म का बहुत योगदान है। वो हमें यहाँ पर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम यहाँ पर कार्रवाई करते हैं, उसमें हमारी बहुत मदद करते हैं। एक बार तो उन्होंने हमें करीब 50,000 रुपये का अनुदान भी दिया था। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि किस तरह की जो सर्विसेज है, किस तरह की जो जो आप बता रहे हैं कि हम जो है रेसेस भी करवाते हैं, तो किस तरह का आयोजन होता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और क्या क्या सुविधाएं उनको जो है यहाँ पे प्रदान की जाती है? हमारे यहाँ पर साल में दो रेसेस तो पक्का होती हैं। एक रेस जो है वो है कांगड़ा क्रॉस कंट्री रन और दूसरी रेस है शिवालिक अल्ट्रा रन। इन दोनों रेसेस को हम, एक रेस जो है वो नवंबर में होती है और दूसरी जो है वो अप्रैल में होती है। इस रेसेस में अभी तक हमारे पास 250-300 तक सैलानी जो है वो आते रहे हैं और यहाँ पर आकर वो रेसेस में हिस्सा लेते हैं। इसमें बड़े बड़े शहरों के लोग, फॉरेन से और बहुत सी कन्याएं भी इसमें हिस्सा लेती हैं। रेसेस में खास करके हम 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20, 10, 5 किलोमीटर तक रेसेस कराते हैं। साइकिलिंग रेसेस भी 80 किलोमीटर की यहाँ हम कराते हैं और इसके अलावा ट्रैकिंग भी हम लोग यहाँ पर लोगों को कराते हैं। सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे, राफ्टिंग के बारे में भी जिक्र हुआ है कि जो सर्वाइवल कैंप है, अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप जो आप चलाते हैं, उसमें जो है राफ्टिंग भी करवाई जाती है, तो क्या लोगों को यहाँ से ही ले जाया जाता है या अन्य जो लोग बाहर से आते हैं बाहर से ही उनको जो है राफ्टिंग भी करवाई जाती है? जो लोग हमारे पास ठहरते हैं उनको हम यहीं से ले जाते हैं और राफ्टिंग करा कर वापस यहीं ले आते हैं, और जो लोग बाहर से आना चाहें वो अपने ट्रांसपोर्ट में आते हैं, वो उनको हम नदौन ले जाते हैं और वहाँ से लेके चंबापत्तन तक उनकी राफ्टिंग हम कराते हैं, जो कि करीब 16 किलोमीटर की राफ्टिंग है और बहुत ही सेफ राफ्टिंग है और इसको बड़े बूढ़े बच्चे हर किस्म के लोग कर सकते हैं राफ्टिंग। इसमें रहने की जो व्यवस्था है सर, वो किस तरह की व्यवस्थाएं जो है रहने में जो है आप प्रोवाइड करते हैं और सुविधाएं जो है उन लोगों को दी जाती है? और एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इसमें क्या भारत के ही लोग या जो अन्य पड़ोसी राज्यों के लोग हैं वही आते हैं या बाहर से भी विदेशी सैलानी भी जो है इस सर्वाइवल कैंप में अपना अनुदान या सहयोग देते हैं या यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं? हमारे यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं और अपने देश के भी लोग यहाँ पर बहुत हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ कई स्कूल्स के बच्चे जो होते हैं वो भी कैंप हमारे साथ लगाते हैं। लड़कों के लिए रहने के लिए अलग बंदोबस्त है टेंट्स में और लड़कियों के लिए रहने के लिए बंदोबस्त टेंट्स में अलग किया हुआ है, जिससे और यहाँ पर योगा, उसके अलावा हम उनकी ट्रैकिंग और बॉक्सिंग, साइकिलिंग, क्वाड बाइक, ये सारे बंदोबस्त हम लोगों ने यहाँ पर उनके लिए कर रखे हैं। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कोविड-19 के चलते जो है आप किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह इस कैंप को चला रहे हैं और क्या क्या आपकी जो है सुविधाएं जो आप प्रदान कर रहे हैं?
हमने पिछला कैंप जो था वो नवंबर में किया था, और उस कैंप में हमने कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए कैंप में सारी सुविधाएं दी हुई थी। जो लोग आते थे हमारे पास, उनके हम लगेज और उनकी सैनिटाइजेशन करते थे, उसके अलावा उनको मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी हुई थी, और जो भी उनका बाकी यहाँ का हाथ धोने का जो प्रोसीजर है वो हमने उसके लिए अलग से जगह बनाई हुई थी, वहाँ वो अच्छे तरह से अपनी साफ सफाई रखते थे। और इस तरह से हमने वो कैंप जो था वो हिमाचल गवर्नमेंट की सारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोई 100 आदमी से भी कम बुलाए हुए थे, जिसमें कि हिमाचल गवर्नमेंट के ही 27 लोग तो पुलिस वाले ही आए हुए थे हमारे पास धर्मशाला से। और जो हिमाचल गवर्नमेंट का मिस हिमाचल कॉन्टेस्ट हुआ था उसकी भी हमारे पास कोई 15 या 16 लड़कियां जो थी यहाँ पर आई हुई थी, जिनको कि हमने यहाँ की सारी सुविधाएं प्रदान की, उसके अलावा उनको राफ्टिंग कराई, और यहाँ हमने रात को उनके लिए एक बॉनफायर किया और मनोरंजन का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था। सर, नववर्ष में आपकी क्या योजनाएं हैं? कोई, जैसे आप बता रहे थे कि आप रेसेस करवाते हैं, राफ्टिंग करवाते हैं, तो नए साल में आपकी क्या योजना है? क्या इस बार भी आप जो है रेसेस का और राफ्टिंग का कुछ करवाएंगे, या कोविड 19 के चलते स्थिर रखा जाएगा? हमारी यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो रेसेस तक ही सीमित नहीं है, उसके अलावा भी ये कैंप जो है वो पूरा साल खुला रहता है, और यहाँ जो भी कैंप में आकर रहना चाहे या जो भी ग्रुप्स यहाँ पर आकर रहना चाहें उनके लिए हम पूरा पूरा बंदोबस्त करते हैं। नए साल में हमने दो चीज़ें और इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक है ट्रायथलॉन, ये एक नई किस्म की रेस है जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, ये तीनों चीज़ें साथ साथ होंगी, और वो रेस जो है वो स्विमिंग हम पोंग डैम में कराएंगे, और साइकिलिंग और बाकी चीज़ें जो हैं वो गर्ली, नदौन, इन जगहों में कराएंगे हम, और एंड जो होगा वो यहीं हमारे कैंप में होगा। इसके अलावा हम लोग एक और रेस करने की सोच रहे हैं, और वो हम जरूर कराएंगे, जो है 24 घंटे रनिंग। 24 घंटे रनिंग में एक जो भी हिस्सा ले रहा होगा पार्टिसिपेंट, उसको 24 घंटे तक लगातार दौड़ना पड़ेगा, और वो रेस जो है वो भी हम यहाँ इस बार नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है कैंप में ऑर्गेनिक खेती को भी जो है बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि जो है हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उनके सहयोग के साथ मिलकर के जो है इन्होंने जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती भी की है। तो हम जानेंगे आरसी शर्मा जी से कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है उगाई हैं, लगाई हैं, किसके सहयोग से किया है। हम यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जिसमें हमने 500 पौधे अनार के लगाए हुए हैं, उसके अलावा हमारे केले के भी एक दो बगीचे हैं जो हमने चलाए हुए हैं यहाँ पर। इस सब में हमारी मदद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देरा से मिस्टर गोमरा हैं, वो बहुत हमारी मदद करते हैं, और उनके योगदान से और उनकी हेल्प से हमने यहाँ पर ये चीज़ें तैयार की हुई हैं। यहाँ हमने गाय भी रखी हैं, 3 गाय रखी हुई हैं, जिनका जो गोबर है उससे हम वर्मी कल्चर से के उपयोग से उनका हम अच्छी खाद बनाते हैं, जो कि यहाँ हमारे काम आती है, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा फिश पॉन्ड है, जिसमें हमने करीब 4000 मछलियाँ पाली हुई हैं और उनकी हम देख रेख। हमारे पास जो भी यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं उनको हम हॉर्टिकल्चर के बारे में और ऑर्गेनिक खेती के खास करके उसके बारे में सबको हम जानकारी देते हैं। यहाँ हमने करीब 1.5 क्विंटल हल्दी लगाई हुई है, और उसके अलावा हमने यहाँ अदरक और लहसुन और नींबू, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अपनी तैयार करते हैं, और वही हम यहाँ पर अपने किचन में भी इस्तेमाल करते हैं।